अब्दुल भाई चलिए। पटना के खान सर एक बार फिर विवादों में हैं। उनका एक पुराना वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में खान सर ने क्या कहा और क्यों कहा, आज के इस वीडियो में इसी पर बात होगी। दरअसल खान सर का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो क्लासरूम में स्टूडेंट से कह रहे हैं कि आप सभी ने संधि विच्छेद पढ़े होंगे। समास में जिसके एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, द्वंद समास में कई चीजों के दो अर्थ होते हैं। खान सर उदाहरण दे रहे थे कि कैसे एक वाक्य का अर्थ बदल जाता है जब सुरेश नाम की जगह अब्दुल हो जाता है। वीडियो पर पहले भी विवाद हुआ था। खान सर वीडियो में बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे सुरेश ने जहां जुड़ाया का अर्थ अलग निकलता है, उसी जगह पर अगर अब्दुल ने जहां जुड़ाया तो उसका अर्थ दूसरा निकल जाता है। एक ही शब्द है लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब जहाज उड़ाया और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। खान सर का यही मजाकिया लहजे में दिया गया उदाहरण विवाद की वजह बन गया। सबसे पहले लेखक अशोक कुमार पांडे ने खान सर के इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। लेखक अशोक कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि इसे नीचता की हद कहते हैं। ऐसे लोग शिक्षा का धंधा करते हुए समाज में नफरत फैलाने वाले घटिया धंधेबाज हैं। इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। खान सर के इस वीडियो को लेकर ट्विटर यूजर ने तरह तरह के कमेंट किए। एक यूजर ने खान सर के कथित वीडियो पर तंज कसते हुए कहा कि जिस दिन इस खान सर ने बोला था कि मुझे 100 करोड़ का ऑफर मिल रहा था लेकिन मैं गया नहीं, मैं उसी दिन समझ गया था कि ये गुरु के वेश में लाला रामदेव निकलेगा और ऐसा ही हुआ। एक बात पक्का कह रहा हूँ, इस बाबा में ज्ञान का कोई नामो निशान नहीं है, ये बस अपना बिजनेस कर रहा है। वहीं कुछ यूजर्स ने खान सर का बचाव भी किया। खैर, आपका इस विवाद पर क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।